फ्रेंड्स, मेरे गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। एनुअल सीज़न फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने विंटर सीज़न के एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, कौन से सीड्स सो करने चाहिए। ये एनुअल सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो सीज़न में ब्लूम करते हैं और जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो स्लोली ये डेड हो जाते हैं। तो इनके लाइफ बढ़ाने का, लाइफ पीरियड, इनका लाइफ टाइम बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है और उसे कहते हैं डेड हेडिंग। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स सीज़न में ब्लूम होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स उस पर आते हैं। ये जब फ्लावर सूख जाते हैं तो उसका सीड हेड तैयार हो जाता है, सीड्स तैयार हो जाते हैं और ये सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नया सिमिलर वैरायटी का प्लांट आपको उस सीड से मिल जाता है तो तैयार होते हैं। तो प्लांट को लगता है कि वो अब मैच्योर हो गया है, उसका लाइफ साइकिल जो है ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे ये प्लांट डेड होने लगते हैं। प्लांट का लाइफ बढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है डेड हेडिंग। डेड हेडिंग में हम जो फ्लावर्स सूख जाते हैं और सीड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, ये फ्लावर्स हम निकाल देते हैं। जब हम ये फ्लावर्स निकाल देते हैं, सूखे हुए फ्लावर्स, तो नई नई ब्रांचेस, नई टहनियाँ उसको आती हैं, नए बर्ड्स आने लगते हैं और प्लांट ज़्यादा दिन तक रहता है, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा गलाडिया का प्लांट है, मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था इस प्लांट के बारे में। ये समर सीज़न ब्लूमिंग प्लांट्स हैं। ये मैंने इन द मंथ ऑफ फेब लगाया था, फेब्रुवरी में इसका सीडलिंग मैंने किया था और ये पिछले दो या तीन ढाई महीने से मेरे यहाँ बहुत अच्छी तरह से फ्लावर्स दे रहा है और इसका एक रीज़न है डेड हेडिंग। तो चलिए हम अब जानकारी लेते हैं कि ये एनुअल सीज़न फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये विंटर सीज़न के हो या समर सीज़न के, इनके डेड हेडिंग कैसे की जाती है और डेड हेडिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो ये जो आप गलाडिया का प्लांट देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत उसको फ्लावर्स है। अभी मेरे पास तीन वैरायटी में इसके शेड्स है, तीन कलर्स है, एक है येलो, ऑफ वाइट और रेड कलर में। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा दिखता है और फूलों से भरा हुआ दिख रहा है। तो चलिए, ये इसका डेड हेडिंग कैसे करते हैं। आप जो देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स सूख गए हैं और सीड्स में उनका कन्वर्जन चालू हो गया है। डेड हेडिंग करते वक्त ये जो डेड फ्लावर आप देख रहे हैं यहाँ, इसको यहाँ से ब्रांचेस आई हुई हैं तो ठीक उसके ऊपर से, उस ब्रांच के ऊपर से हमें इसका कटिंग करना है, क्लीन कट लेना है। तो इसके लिए आप सीज़र का इस्तेमाल कीजिए या ये प्रूनिंग सीज़र मेरे पास है, इसका इस्तेमाल करके इस तरह से मैंने ये कट कर दिया है। इस तरह सारे डेड फ्लावर्स आपको ठीक जहाँ से नई ब्रांच चालू होती है वहाँ से कट कर देने हैं। इस तरह से यहाँ देखिए, इसकी नई ब्रांच यहाँ आई हुई है तो उसके ठीक नीचे से, ऊपर से मैं कट लेती हूँ। इस तरह से ये मैंने कट कर दिया है। इस तरह सारे फ्लावर्स आपको कट करने हैं। ये आप डेड हेडिंग रेगुलरली करेंगे, डेड हेडिंग हर 15 दिन में, एवरी फोर्टनाइट अगर आप करेंगे तो नए नए टहनियाँ आएंगी, आपको विजिबल इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। जब ये फ्लावर्स सूखने लगते हैं, उनका ब्लूम ख़त्म हो जाता है, सूखने लगते हैं, तो ये जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस जो रहती है, वो आपका न्यूट्रिएंट प्लांट का लेती रहती हैं। तो आप अगर डेड हेडिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो आपका प्लांट ज़्यादा दिन तक रहेगा, अच्छे ब्लूम्स उसको आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक आपको बाय बाय और हैप्पी गार्डनिंग।